मैं आ चुका हूँ कश्मीर। कश्मीर एक जन्नत कहलाता है और मैं अभी इस वक्त हूँ शिकारा में। और ये हैं हमारे भैया अल्ताफ भैया, जो हमें हमारे हाउस बोट तक लेके जा रहे हैं। और आज क्या बात हुई खास, आज हो गई है बारिश तो हो गई है यहाँ पर ठंड, और मैं आया हूँ समर से कपड़े लेके। तो अभी देखते हैं कि कैसा वेदर होगा आगे, क्योंकि अभी तो लग रही है मुझे ठंड। और मैं पहुँचना चाहता हूँ जल्दी से जल्द अपने हाउस बोट पर, और वो रहा मेरा हाउस बोट। सास बहू और बेटिया में देखिए अभिनेता पारस मदान, जो सोनी टीवी के सीरियल बेहट्टू में आपको राजीव के किरदार में पहले भी नजर आ चुके हैं, जो पहुंच गए हैं सीधे कश्मीर की वादियों में और कश्मीर के रॉकेट कहे जाने वाले शिकारा पर बैठकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों के नजारे ले रहे हैं। कितना सुंदर है ना ये जन्नत कहलाता है कश्मीर, जो है बहुत अमेजिंग है। और अभी मैं शिकारा राइड पे हूँ, आसपास के एरिया को ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के हाउस बोट्स मतलब अलग ही है। मतलब पानी के ऊपर एक पूरा घर और उस पर भी इतने सारे लोग रहते हैं। आप खुद देखिए कितनी ग्रीनरी है, कोई पोल्यूशन नहीं, एकदम सिंपल, चिड़िया की चहचहाट। और यहाँ पर देखिए ऐसी छोटी छोटी बोट्स पर लोग सामान बेचते हैं, अपना बिजनेस, अपना डे टू डे वाला बिजनेस जो है वो चलाते हैं। देखिए यहाँ पे औरतें भी पीछे नहीं, वो भी खुद आपने आपको जहाँ किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो या बाहर भी जाना हो, अपने छोटे शिकारे पे जाती है। Such a beautiful thing. तो ये है मेरा शिकारा जिस पे आज मैं निकला हूँ। तो आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो थोड़ा पीछे हो जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। ये इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं कि इसको देख के ना मेरे को एक गाना याद आ गया। अगर आप कुछ भी खरीदना हो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, फूड ऑन वाटर। ये कहलाता है यहाँ का मीना बाजार, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, बट पानी के ऊपर। इट्स सो अमेजिंग ना कि सारी चीज़ें आपको पानी पे अवेलेबल होती हैं। बड़ी अलग एक्सपीरियंस है, सब्जी भी मिलती है। भाई पारस मदान नेचर की खूबसूरती को करीब से छूना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ की फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट में ये देख रहे हैं तरोताज़ा सब्जियाँ। भाई यहाँ की पानी की खेती कमाल की है, जो कश्मीर के इस खास मार्केट को और भी ज़्यादा खास बनाती है। मेरे राइट साइड पता क्या, इसको कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन। देखिए पानी के ऊपर सब कुछ उगता है, तो सब्जी पे बनता है साफी सब्जी और खीरा, तरबूज और टमाटर, कद्दू, लौकी। बताइए भैया ने सब बता दिया, यहाँ लौकी, टमाटर, गोभी सब बनता है। देखिए चलता फुटा जमीन है, कभी उधर कभी इधर भी। देखिए इधर भी है दोनों साइड से। तो ये कहलाती है यहाँ की फार्मिंग, फार्मिंग ऑन वाटर। तो बस अब मैं पहुंचने वाला हूँ अपने हाउस बोट पर। आप देख सकते हैं यहाँ की कितनी वादियाँ हसीन हैं, दिखाइए यहाँ पे आप। वाओ सो रोमांटिक। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है कि मन कर रहा है कि गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बस मैं अपने लेक बोट पहुंच चुका हूँ, अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं, बात कराते हैं आपको।
आइए। चलिए मैं चलता हूँ लेक बोट। तो मैं हाउस बोट पे पहुंच चुका हूँ। ये हमारे रमजान जी हैं जिनके हाउस बोट में आ चुका हूँ, और हाउस बोट का नाम है लेक विक्टोरिया। यहाँ पे बहुत फेमस है, और ये हमारे हिलाल जी हैं जो हमारे यहाँ पर रहते हैं और सबकी सेवा करते हैं, रमज़ान जी के साथ ही हैं। जैसे सुना है कि यहाँ पर सैफरन बहुत फेमस है। बहुत अच्छा यहाँ सैफरन मिलेगा, और ठंड बहुत हो गई है, बहुत मज़ा आएगा इधर। हाँ, आज वेदर भी बहुत अच्छा है, आप देखो आज बारिश हो गई है, ब्यूटीफुल वेदर है इधर। यहाँ पे कावा मिलता है, कावा आपको तो पिलाएगा आपको हम बस, और यहाँ की स्पेशल चीज़ है कावा, वो पियेंगे आज ज़रूर आपको पिलाएगा। आप चलिए, आप देखिए, कहाँ से जाना है? आप यहाँ से जाइए, ठीक है, आइए। और भाई यहाँ की मेहमान नवाजी के क्या कहने। मतलब आपके घर भी इसके सामने फेल है। यहाँ के जो हाउस बोट होती है वो एक स्पेशल वुड से बनाई जाती है, राइट? ये है पाइन वुड, पाइन वुड से बनती है, फर्नीचर जो है ये सब वॉलनट है, और सब एंटीक फर्नीचर है। आप नीचे दिखाइए कारपेट, आपको अमेजिंग से अमेजिंग कारपेट मिलेगा, और आपको ऐसा कारपेट की जो बनावट है वो कहीं नहीं मिलेगी। आप डिजाइन, पारस का दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, हो भी क्यों ना, यूं ही नहीं इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। अरे वाह, आज तो खाना लग गया हमारा टाइम पे, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये हमारे लाल जी जो हमें खाना परोस के देते हैं, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या बढ़िया खाना बना, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, क्या बनाया? गोभी। अरे वाह गोभी, अरे वाह प्रेम जी, आइए देखिए। वैसे खाना देख के तो लग रहा होगा कि बहुत लजीजदार है, मुंह में पानी भी आ रहा है। तो चलिए बैठते हैं, शुरू करते हैं खाना। अब मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, तो लेट्स ईट फूड। खुशबू बहुत बढ़िया लग रही है। कश्मीर का खाना ना अपने आप में एक बहुत रिच खाना है, और जो खाने का तरीका है, बनाने का तरीका है, वो उससे भी अलग। तो मैं एंजॉय करता हूँ खाना, फिर मिलता हूँ। मैं यहाँ के सबसे फेमस पार्क में आया हूँ, इसको कहते हैं नेहरू पार्क। तो ये रास्ता वहाँ जाता है, तो आइए लेट्स गो देयर। अब बारी है नेहरू पार्क की सैर कराने की। ये आपने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग में भी देखा होगा, जैसे कश्मीरी कली और ही बहुत सारी फिल्म, यहाँ बहुत सब शूट होता है, आइए दिखाते हैं आप। तो भाई पारस मैदान के साथ यहाँ के भी नज़ारों का मजा लीजिए। आज मेरा नेक्स्ट डे है कश्मीर में डल लेक पर, और अर्ली मॉर्निंग में रमजान जी के यहाँ पे मैं रुका हूँ जिनका हाउस बोट है। आज मुझे वो हेल्प कर रहे हैं, लेक विक्टोरिया में रुका हूँ। वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ के क्या क्या सब्जियाँ हैं और कैसे ये खरीदते हैं, क्योंकि ये जितनी भी सब्जियाँ हैं सब फ्रेश आती हैं और डेली मॉर्निंग में आती हैं। और अब आ गई हैं तरोताज़ा सब्जियाँ भाई। इस महामारी के टाइम में अपने आप को फिट चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए आपको शुद्ध और शाकाहारी खाने पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए वेजिटेबल एक मात्र सहारा बस्ती है, जिसमें आपको सब चीज मिल जाती है। और कश्मीर में आकर जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए तो ये किसी शाही खाने से कम नहीं। ये कश्मीरी साग है, और ये लोटस रूट्स है, ये स्पेशल लोटस रूट जो पानी में उगता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। तो आज हम यही खाएंगे, चलो एंजॉय करते हैं। तो भाई हो गई कश्मीर की सैर, फिर मिलेंगे किसी और सितारे के साथ, कुछ और खूबसूरत नजारों के साथ। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।